हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूनियर्स एजुकेशन। तो इसमें हमारा टॉपिक है एम्फीबियंस, यानी एम्फीबियंस का जनरल करेक्टर के बारे में जानेंगे। तो चलो देखते हैं कि डिफरेंट फैक्ट्स क्या होता है जो एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम तो थोड़ा सा जानते हैं एम्फीबिया एक वर्ड है जिसके अर्थ ये होता है कि देखिए एम्फी यानी बोथ प्लेसेस, बियंस यानी एनिमल्स एंड एम्फी का मतलब होता है बोथ, जो ऑर्गेनिज्म लैंड और वाटर राइट यानी टेरेस्टेरियल में और जो एक्वाटिक में दोनों जगह पे जो रहते हैं इसको कहते हैं एम्फीबियंस। यानी द एनिमल्स व्हिच इज लिविंग इन द बोथ काइंड्स ऑफ प्लेसेस इज नोन एज एम्फीबियंस। एंड एम्फीबियंस बेसिकली वर्टिब्रेट्स होते हैं राइट, इसमें वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स राइट। इन द डेवोनियन पीरियड ऑफ पैलोजोइक एरा दे वर ओरिजिनेट फ्रॉम फिशेस। यानी अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे कि जो ओरिजिनेशन के बारे में बात करेंगे तो जो एम्फीविया एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखेंगे तो एम्फीवियंस फिश से एवल्व हुए। फिश जो पानी में रहते हैं और एवोल्यूशन का टाइम में फिश पानी से बाहर आए और इस पीरियड में ही एम्फीवियंस का ओरिजिनेशन हुआ और इस पीरियड को बोलेंगे कि पैलोजोइक एरा राइट। तो अगर पूछा जाए एम्फीबियंस ओरिजिनेट फ्रॉम डेस, सिंपल आंसर होगा फिशेस। इन द कार्बोनिफेरस पीरियड दे इंक्रीज देयर नंबर्स, हैंस दैट पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ एम्फीबियंस। यानी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाएगा डिफरेंट एग्जाम्स में, तो देखिए एज ऑफ एम्फीबियंस किस लिए कहते हैं, बिकॉज ऑफ ये जो कार्बोनिफेरस पीरियड को, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा नंबर्स में जो एम्फीबियंस का संख्या बढ़ गया था उस पीरियड में, जो कि कार्बोनिफेरस पीरियड में, इसलिए हमको बोलना चाहिए कि इट्स ए एज ऑफ एम्फीबियंस राइट। तो चले देखते हैं दूसरा पॉइंट के बारे में। एम्फीबियंस आर एक्टोथर्मिक ओके एंड दीज आर टेट्रापॉड। यानी एम्फीबिया में चार लेग्स प्रेजेंट होता है, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, तो इसलिए फोर नंबर्स ऑफ लेग प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे टेट्रापॉड्स कहते हैं। और बॉटीफ्लेस तो आपको पता ही है। देखिए ए एम्फीविया एक क्लास है, ऑल लिविंग एम्फीवियंस बिलोंगिंग टू द ग्रुप लिस एम्फीविया। जितने सारे एम्फीवियंस आते हैं सब एक ही ग्रुप में बिलोंग्स करते हैं जिसको बोलते हैं लिस एम्फीविया, याद रखना। सो आप इसमें इमेज में देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ एम्फीवियंस के बारे में, देखिए फ्रॉग, टॉड्स एंड सलमेंडर ओके न्यूट ओके, देखिए इसमें देखेंगे। और ये रह गया दैट इज नॉन एज सीएसिलियन ओके, इसको सीएसिलियन बोलते हैं, लिमलेस एम्फीविया होता है। देखिए उसके बाद जानते हैं कि डिफरेंट फैक्ट और बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक के बारे में जानेंगे। तो चलो देखते हैं इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दे इनहैबिट वाइड वेराइटी ऑफ हैबिट्स, यानी ये जो एम्फीवियंस होते हैं ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट में रहते हैं, तो वेराइटी हैबिट्स में रहते हैं। विद मोस्ट स्पीसीज लिविंग विद इन टेरिस्टेरियल ओके, टेरिस्टेरियल रीजन्स में रहते हैं। और मतलब क्या पता है आपको, जो लैंड रीजन्स को कहते हैं टेरिस्टेरियल रीजन ओके, फोसोरियल एंड एर्वोरियल और फ्रेश वाटर एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी रहते हैं, जो कि पानी में भी रहते हैं। तो दोज एम्फीबियंस टिपिकली स्टार्ट आउट एज लार्वा लिविंग इन द वाटर, यानी जो इसका जो डेवलपमेंट होता है ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जैसे कि सीधा सीधा एक फ्रॉग नहीं बन जाता है, इसमें जो एक स्टेज आता है जिसको कहते हैं लार्वल स्टेज कहते हैं ठीक है, इसको लार्वल स्टेज कहते हैं। तो देखिए और एक पॉइंट जान लेते हैं, दिस एम्फीबियंस टिपिकली हमने बोले कि लार्वल स्टेज क्रॉस करके एक एडल्ट स्टेज में आते हैं। और एक देखते हैं जनरल करेक्टर्स ऑफ एम्फीबियंस। तो चलिए बात करते हैं जनरल करेक्टर कौन सा प्रेजेंट होता है डिफरेंट एम्फीबियंस में। तो देखिए एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स व्हिच कैन यू ऑन लैंड एंड वाटर, यानी दे लिविंग इन द बोथ प्लेसेस। एम्फीबियंस सो फोर लिम्स, मैंने बोला कि दिज आर टेट्रापॉड्स, यानी इसमें टू हाइंड लिम्स और टू फोर लिम्स होता है। एंड दे कैन स्विम, वो स्विम कर सकते हैं पानी में। एंड दे कैन जम्प एंड दे कैन वॉक ऑन द लैंड टू ओके, बट इन अपोडा लिम्स आर एब्सेंट, यानी जो अपोडा में लिम्स नहीं होता है ओके, क्रीपिंग मूवमेंट करता है। सो देखिए इन एम्फीबियंस एनिमल एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, एम्फीबियंस में एक्सोस्केलेटन नहीं होता है राइट। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है, सोच लो एक बॉडी है राइट ना, बॉडी के ऊपर में एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन एम्फीबियंस में एक्सोस्केलेटन नहीं प्रेजेंट होता है। बट इन एपोडा एनिमल स्मॉल साइक्लोइड स्केलर प्रेजेंट, जो लेकिन एपोडा में थोड़ा सा साइक्लोइड्स
स्केल प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में पढ़ेंगे जो कि दूसरा वीडियो में अपलोड किया गया है, देख सकते हो। तो साइक्लोइड स्केल आर प्रेजेंट। देखिए इन एम्फीबियंस द एडल्ट एनिमल्स लंग्स आर प्रेजेंट, यानी जबकि बड़े और एडल्ट एनिमल्स जो कि एम्फीबियंस का होते हैं इसमें लंग्स प्रेजेंट होता है, और लंग्स का काम यह है कि रेस्पिरेशन करना। तो गिल्स बेसिकली एब्सेंट होता है, लेकिन गिल्स दैट इज टाइम ऑफ लार्वल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में प्रेजेंट होता है। बट इन सम यूरोडेलियन दिस गिल्स आर प्रेजेंट, लेकिन कुछ यूरोडेलियंस में जो कि टेल्स प्रेजेंट होता है जिस एम्फीबियंस में, इसमें गिल्स पाई जाती है। एम्फीबियंस स्किन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी एम्फीबिया स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर सकता है, यानी गैसियस एक्सचेंज। ओके, तो इसको कहते हैं क्यूटानियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, राइट। एम्फीबिया स्किन के साथ भी रेस्पिरेशन करता है। तो चले, द एम्फीबियन स्कॉल इज डाइकोंडाइल, यानी एम्फीबिया का जो स्कॉल होता है डाइकोंडाइल होता है, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम में जो होता है ना, जो नेक का पॉइंट में, इसमें जो एटलास बोन होता है, एटलास बोन में दो स्कॉल बोन जॉइंट होता है, इसको डाइकोंडाइल कहते हैं। तो अगर सिंगल जॉइंट होता है तो इसको मोनोकोंडाइल कहते हैं, लेकिन इसमें डाइकोंडाइल पाई जाती है। एम्फीबियंस रिब्स आर एब्सेंट, एम्फीबियंस में रिब नहीं पाई जाती है, यानी चेस्ट में जो बोन होते हैं इसको रिब बोन कहते हैं, वो नहीं होता है। इन एम्फीबियंस द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल इज प्रेजेंट इन यूरोडेला एनिमल्स। ओके, सो देखिए बेसिकली एम्फीबियंस का बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हेड होता है और ट्रंक होता है, एंड टेल भी प्रेजेंट होता है इन यूरोडेलस एनिमल्स, राइट। जो कि यूरोडेला यानी यूरो का मतलब होता है टेल, टेल प्रेजेंट एनिमल्स में टेल पाई जाती है, नहीं तो हेड एंड ट्रंक ही पाई जाती है। एम्फीबियंस डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, ए वेल डेवलप्ड लीवर इज प्रेजेंट, यानी देखिए डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम के क्या होता है, देखिए ह्यूमन बींग में तो माउथ हो गया एंड यू नो इसोफागस एंड स्टोमक एंड लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, वैसा ही एम्फीबियंस में भी कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम पाई जाती है और इसमें ए वेल डेवलप्ड लीवर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट, सॉरी एब्सेंट। एक्सटर्नल ईयर का मतलब क्या होता है, देखिए ह्यूमन बींग में जो ईयर प्रेजेंट है इसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, तो लेकिन एक्सटर्नल ईयर इसमें एब्सेंट होता है। तो मिडिल एंड इनर ईयर आर प्रेजेंट, यानी बीच में रहने वाला और इनर में रहने वाला क्या जो ईयर प्रेजेंट है, ठीक है। द मिडिल ईयर कोलोमेला एवरिस इज प्रेजेंट, और कोलोमेला एक बोन है जो कि मिडिल प्रेजेंट होता है। एंड एम्फीबियंस हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, एम्फीबियंस का हार्ट बेसिकली थ्री चैम्बर्ड होता है, एंड जिसमें टू एरिकल पाई जाती एंड एक ही वेंट्रिकल पाई जाती। द ब्लड कंटेन आरबीसी, ब्लड में आरबीसी पाई जाती, दे आर न्यूक्लिएटेड, यानी ह्यूमन बींग का जो आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन इसमें जो आरबीसी पाई जाती है वो आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। दे कंटेन हेमोग्लोबिन, यानी हेमोग्लोबिन जो पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, जो हेमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर करने के लिए मदद करता है, ठीक है। एंड ब्लड वास्कुलर सिस्टम कंटेन हेपेटिक एंड रेनल पोर्टल सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हेपेटिक एंड रेनल पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। एम्फीबियंस किडनी और मेसोनेफ्रिक, इसका किडनी होता है और किडनी मेसोनेफ्रिक होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट एंड स्टोर्स यूरिन, यानी यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, एंड यूरिनरी ब्लैडर का काम यह होता है कि यूरिन स्टोर करना। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, देखिए हमारे पास भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो बेसिकली वैसा ही एम्फीबियंस में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाई जाती है जो कि वेल डेवलप्ड, ठीक है। एंड द ब्रेन ऑक्यूपाइज कम्प्लीटली द क्रैनियल कैविटी, ब्रेन में जो कम्प्लीटली क्रैनियल कैविटी स्कॉल पाई जाती है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर मिड एंड हाइंड ब्रेन, यानी इसमें ब्रेन का हिस्सा है ना तीनों डिफरेंट पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन कॉन्टेजियंस एज स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी होती है। इसमें 12 नहीं 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स पाई जाती है, राइट। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल्स एंड फीमेल दो अलग अलग इंडिविजुअल देखने के लिए मिलेगा, और मेल एंड फीमेल कैन बी आइडेंटिफाई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, अगर जिसमें बोथ टाइप ऑफ सेक्स पाई जाती है उसको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, एंड इन एम्फीबियंस, सॉरी गाइस, इसको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी मेल एंड फीमेल आर बोथ टू डिफरेंट इंडिविजुअल, आई एम सॉरी। और हर्माफ्रोडाइट यानी हर्माफ्रोडाइट को हम कहते हैं कि बोथ टाइप ऑफ सेक्स फाउंड इन ए सिंगल इंडिविजुअल, इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए 18 नंबर, इन एम्फीबियंस दिस लाइफ हिस्ट्री लार्वल स्टेज में भी प्रेजेंट, यानी लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होता है
कुछ एम्फीवियंस स्पीसीज में, ठीक है, जो कि लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट के बाद एडल्ट स्टेज आई थिंक आता है, राइट। सो देखिए एम्फीवियंस अगर टेलियोलिथल क्लीवेजेज होलोब्लास्टिक इक्वल बा अनइक्वल, राइट। एम्फीवियंस का एक जो होता है टेलियोलिथल होता है और क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक होता है एंड इज अ अनइक्वल क्लीवेज, ओके। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट लेटेस्ट।